गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। 10th इंग्लिश 1.4 बी स्मार्ट इंग्लिश वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ए सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ये सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स है, इसका आपको आंसर लिखना है। वी वोंट अचीव आवर गोल्स अनलेस वी टेक एक्शन टू अचीव देम, इसका आंसर दिया हुआ है, यानी वी वोंट अचीव आवर गोल्स अनलेस वी टेक एक्शंस टू अचीव देम। हम अपने गोल हासिल नहीं कर सकते जब हम उसके लिए कोशिश नहीं करते, हरकत नहीं करते। यह स्टेटमेंट ट्रू है। वी ऑल डोंट हैव नेचुरल टैलेंट्स, हमारे अंदर फितरी टैलेंट नहीं होता, ये तो गलत है, फॉल्स। द स्किल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन विल, फॉल्स, यानी महारत आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन स्किल, ऐसा होना चाहिए। गोल्स हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कोई हदफ आप बना लेते हैं, कोई गोल मकसद बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम करता है, ट्रू। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी है। फॉर रिड्यूसिंग वेट, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस, फ्री थाट शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, ये अंडरलाइन वाला सेकेंड पार्ट है। दूसरा है विजन विशेष इंटेंशंस एंड ड्रीम्स स्पार्क, तो क्या है, स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, ये अंडरलाइन करना है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट, डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, तो सक्सेस अंडरलाइन करना है। पिक आउट द लाइन्स डेट सपोर्ट द मैसेज, अब यहाँ पर एक मैसेज दिया है, गोल्स शुड बी अचीवेबल, तो इसका आंसर क्या रहेगा, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट अ प्राइम मिनिस्टर बट वी कैन होप टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोशल वर्कर एंड डिलीवर रिजल्ट्स, ये उसका लाइन है जो पैसेज में दिया हुआ है। अ स्पेसिफिक फील्ड एरिया हैज़ टू बी फिक्स्ड टू अचीव गोल्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ इट इज अ बिल्डिंग अ हाउस वॉट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। थर्ड वाला है अ बेंच मार्क इज नीडेड टू अट्रैक्ट प्रोग्रेस, इसका आंसर क्या है, वाइल प्लेइंग फुटबॉल अ प्लेयर्स एग्जैक्ट रोल एंड पोजिशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। अब इसका ये फोर्थ वाला है, गुड रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन, इसका आंसर क्या है, लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट, इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। फिफ्थ वाला है, ये सेकंड को फिफ्थ कर लीजिए, अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स, एग्जाम्पल क्या है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थाट्स, ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विद इन अ डेड लाइन। A3 नंबर की एक्टिविटी है, ए क्वेश्चंस वोकैबुलरी क्वेश्चंस है, नाउन फॉर्म बनाना है, अकाउंट अकाउंटेबिलिटी, रियल रियलिटी, इमेजिन इमेजिनेशन, हेजिटेट एंड हेजिटेशन, ये सफिक्स लगाया हुआ है, जैसे अकाउंट को अकाउंटेबिलिटी तो, और रियल को रियलिटी, एल आई एल के बाद में ITY लगाया है, इमेजिन इमेजिनेशन तो TION, और हेजिटेट हेजिटेशन। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव्स बनाना है, नेचर वैल्यू सक्सेस ईज, इसका क्या है, नेचर का नेचुरल, वैल्यू वैल्यूएबल, सक्सेस सक्सेसफुल, ईज ईजी, ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। A4 नंबर की एक्टिविटी है, ग्रामर इन फोकस। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, एड ए क्वेश्चन टैग लगाना है, हैव है यहाँ पर, तो वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स कॉमा हैवंट वी, इस तरीके से बनेगा। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल, तो इसको आप क्या करेंगे, बिगिन विद द स्किल मस्ट नॉट बी स्ट्रांग, ये क्या है, आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, द स्किल मस्ट नॉट बी एज स्ट्रांग एज द विल, यानी पहला दो जो था कंपैरेटिव डिग्री था उसको पॉजिटिव डिग्री बनाया। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ग्रामर भी पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स, इसका इन्फिनिटिव निकालना है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था इन्फिनिटिव के बारे में, टू क्रिएट, ये क्या है, टू क्रिएट ग्रामर के वीडियो में हमने पढ़ा था, तो ये इन्फिनिटिव क्या है, टू क्रिएट। दीज गोल्स मे एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टेपिंग स्टोन्स,
तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, स्टेपिंग, ये भी हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में पढ़ चुके हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है पहला वाला, इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट, इसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग वी मस्ट हैव टू गिव टाइम एंड पुट फोर्थ एवरी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर एनर्जी। यू हैव टू प्रिपेयर प्लान एंड एग्जीक्यूट इट मेटिकुलसली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर गोल। वी विल हैव टू पुट एनीथिंग पुट एवरीथिंग एट स्टेक टू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। Efforts we put in the process wholeheartedly can only give us the output success we desire. The more you work in the right direction of the action plan. चलिए देखते हैं, फिर से समझते हैं। अगर आप कुछ काम करने के लिए कुछ आप हरकत नहीं करेंगे तो कहते हैं ना हरकत में बरकत होती है, वैसे ही है। If you don't put anything इन वी कांट गुट एनीथिंग आउट, अगर हम कोई चीज़ अंदर नहीं डालेंगे यानी एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। वैन वी विश टू अचीव समथिंग, अगर हमें कुछ हासिल करना है, मस्ट हैव टू गिव टाइम एंड पुट फोर्थ एवरी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ आर एनर्जी, तो हमें हमारी टाइम देना पड़ेगा, हमारी क्वालिटी और क्वान्टिटी को लगाना पड़ेगा, एनर्जी को लगाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर प्लान एंड एग्जीक्यूट इट मेटिकुलसली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर गोल। आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करके गोल को हासिल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू पुट एवरीथिंग एट स्टेक टू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स, और हमें हमारी पूरी कोशिशें लगा देनी पड़ेगी ताकि हमें डिजायर्ड फ्रूटफुल फ़ायदेमंद रिजल्ट्स मिल सके। एफर्ट्स वी पुट इन द प्रोसेस होल हार्टेडली कैन ओनली गिव अस द आउटपुट सक्सेस, हम पूरे एफर्ट लगाएंगे दिल खोल कर तो हमारे हमें उसकी कामयाबी भी मिलती है। द मोर यू वर्क इन द डायरेक्शन यू मेक यू गेट द सक्सेस, आप डायरेक्शन सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। सेकंड है पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू थिंक योर एटीट्यूड विल चेंज आफ्टर योर सक्सेस एक्सप्लेन, क्या आप सोचते हैं कि आपका एटीट्यूड कामयाबी के बाद बदल जाता है। नो आई डोंट थिंक माई ग्रेट सक्सेस विल चेंज माई एटीट्यूड, मुझे नहीं लगता कि मेरी कामयाबी मेरे एटीट्यूड को मेरे रवैये को बदल सकती है, टुवर्ड्स द वर्ल्ड यानी दुनिया की तरफ देखने के रवैये को। आई शैल बी एज हम्बल एज बिफोर, जैसे मैं पहले खाकसार था यानी डाउन टू अर्थ था वैसे ही रहूँगा। आई शैल नॉट अलो माई सक्सेस टू गो टू माई हेड, मैं मेरी कामयाबी को दिमाग में नहीं बिठाऊँगा। आई शैल बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूँगा। आई विल नेवर ट्रम्पेट माई अचीवमेंट एंड विल एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट माई सक्सेस, और मैं बिल्कुल अपनी डफली अपना राग नहीं बचाऊँगा, कामयाबियों के ढंडोरा नहीं पीटूँगा, बल्कि अपनी कामयाबी को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करते रहूँगा। नथिंग विल चेंज इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।